नमस्कार, मैं यूएस अग्रवाल, जॉइंट कलेक्टर रायपुर छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे निर्वाचन के दिन पर उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन रूल 16 रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के अनुसार किया जाता है। मतदाता सूची में अंतिम प्रकाशन के बाद सतत अद्यतीकरण के तहत, जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूअस अपडेशन भी कहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम नामांकन की अंतिम तिथि तक जोड़े जा सकते हैं। लेकिन पुराने अनुभवों के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि परिवर्धन यानी कि एडिशंस तो हो सकते हैं, लेकिन करेक्शन या संशोधन और निरसन या डिलीशन में कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसको कमीशन के निर्देश पर पूरा किया जाना है। संशोधन के संबंध में ये निर्देश हैं कि कोई भी संशोधन मतदाता सूची में चुनाव की घोषणा के बाद, मतलब जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के लिए प्रेस नोट जारी किया जाता है, उसके बाद 10 दिन तक ही किया जा सकता है। इसके बाद यदि कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से किए जा सकते हैं। डिलीशंस के जो प्रोविज़न हैं वो ये हैं कि कोई भी डिलीशन या निरसन मतदाता सूची में स्वमोटो स्वप्रेरणा से नहीं किए जाएंगे। चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है उसके बाद स्वमोटो डिलीशंस नहीं हो सकते। डिलीशन के लिए यदि कोई आवेदन आता है तो भी बिना भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति के ये नाम किसी व्यक्ति का मतदाता सूची से नहीं काटा जाना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर किए जाने के निर्देश हैं। तो जो मतदाता सूची शेयर की जानी है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इमेज पीडीएफ, जो सॉफ्ट कॉपी होती है, और एक हार्ड कॉपी। ये निःशुल्क सभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को, चाहे वो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, जिस दिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाता है उसी दिन दिए जाने के निर्देश हैं। जो पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, ये लोग इस मतदाता सूची की हार्ड कॉपी ₹2 प्रति पृष्ठ के आधार पर भुगतान करने पर और ₹100 में इमेज पीडीएफ की सीडी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी निर्देश है कि ई रोल की सर्टिफाइड कॉपी, ई रोल के एक्सट्रैक्ट की कॉपी जो फॉर्मेट 59 मैनुअल ऑफ ई रोल में दिया है, उसमें ही दिया जाना चाहिए। मतदाता सूची पर सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने का प्रभाव। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावशील होने के पश्चात अनेक व्यक्ति हमारे यहाँ मतदाता सूची के कॉपी के लिए आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसके संबंध में रूल 33 आरईआर 1960 के प्रावधान आपको देखना चाहिए। आरटीआई के तहत कोई भी आवेदन सूचना के अधिकार के तहत यदि आपको प्राप्त हो रहा है तो वो धारा 81J आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये कॉपी आरटीआई में दी जाएगी। इलेक्टोरल रोल के एक्सट्रैक्ट दिए जाने का प्रावधान मैनुअल ऑफ ई रोल में संलग्न एनेक्सर 59 जो एक फॉर्मेट है उसके तहत दिया जाना है, लेकिन इंडिविजुअल एक्सट्रैक्ट सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाए जिस व्यक्ति का वो प्रविष्टि है। अब हम आते हैं चुनाव के लिए मार्क्ड कॉपी की बात कर। मार्क्ड कॉपी, जिसको हिंदी में चिन्हित प्रति भी कहते हैं, इस चिन्हित प्रति पे निर्वाचन हुआ करते हैं। ये चिन्हित प्रति नामांकन के अंतिम तिथि तक जोड़े गए नाम, इसमें दो तरह के सप्लीमेंट होंगे। पहला होगा मदर रोल, दूसरा होगा फर्स्ट सप्लीमेंट जो समरी रिवीजन के अंतिम प्रकाशन के बाद तैयार किए गए, और तीसरा होगा कंटिन्यूअस अपडेशन का सप्लीमेंट। ये दो सप्लीमेंट और एक मदर रोल, टोटल तीन इसमें शामिल होंगे। ये जो इसकी हम मार्क्ड कॉपी तैयार करेंगे। मार्क्ड कॉपी क्या होती है? जैसा कि आपको मालूम है, पोस्टल बैलेट बहुत सारे व्यक्तियों को हम लोग जारी करते हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और
अन्य तरह से जो उसमें एडिशन डिलीशंस हैं उसको मार्क करते हुए हम ये सारी कॉपीज जारी करते हैं। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बाद, टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद, आजकल हमने देखा है कंटिन्यूस अपडेशन के बाद जो भी डिलीशंस या संशोधन होते हैं वो मदर रोल में रिफ्लेक्ट होते हैं। मदर रोल जो होता है, मार्क्ड कॉपी तैयार करने के लिए हमको मदर रोल की एक फ्रेश कॉपी प्रिंट लेनी चाहिए, उसका PDF तैयार करिए, उसका प्रिंट लीजिए और उसके साथ दोनों सप्लीमेंट, जो समरी का सप्लीमेंट है और जो कंटिन्यूस अपडेशन का सप्लीमेंट, ये दोनों सप्लीमेंट उसमें संलग्न किए जाएं। हमें मार्क्ड कॉपी की दो प्रतियां तैयार की जाती है, करनी होती हैं, और तीन अतिरिक्त कॉपी जो आइडेंटिकल होगी वो भी तैयार करना पड़ता है। मार्क्ड कॉपी के जो दो सेट तैयार होते हैं उसमें से एक सेट रिटर्निंग ऑफिसर अपने पास रखता है, यदि कहीं पर कहीं रिपोल की आवश्यकता हुई तो वो जो सेकंड सेट है मार्क्ड कॉपी का उसका उपयोग किया जा सकता है। नियम में यह भी उल्लेख है कि सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को इलेक्टोरल रोल की कॉपी इंक्लूडिंग सेकंड सप्लीमेंट नाम विड्रॉल के अंतिम दिन से 3 दिन के भीतर देना होती है, तो ये कॉपीज भी हमको उस समय तक तैयार कर लेनी चाहिए। मार्क्ड कॉपी के यानी कि चिन्हित प्रति के दोनों सेट पे RO या ARO एक सर्टिफिकेट लगाते हैं। इस सर्टिफिकेट में वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या, मेल फीमेल, कितने उसमें परिवर्धन हैं, कितने निरसन हैं और कितने संशोधन हैं, इस संख्या का भी उल्लेख होता है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट और पोस्टल बैलेट, इन दोनों को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा नोडल ऑफिसर जो मतदाता सूची के लिए होते हैं उनके माध्यम से उस पर्टिकुलर प्रविष्टि के अगेंस्ट मार्क किया जाता है। इसके अतिरिक्त मार्क्ड कॉपी में प्रॉक्सी वोटर की भी एक सप्लीमेंट हो सकता है, यदि प्रॉक्सी वोटर उस मतदान केंद्र में हैं तो। मार्क्ड कॉपी के अलावा तीन आइडेंटिकल कॉपी वर्किंग रोल प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देने होते हैं। आइडेंटिकल कॉपीज जो शेष जो वर्किंग रोल हैं उसमें मार्किंग आवश्यक नहीं है, लेकिन वो बाकी सारे रेस्पेक्ट में मार्क्ड कॉपी की तरह होने चाहिए। मार्किंग के समय हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी मार्किंग हम वोटर लिस्ट पे कर रहे हैं वो सिर्फ मदर रोल में और परिवर्धन सूची में की जाए, संशोधन सूची या निरसन सूची में ये मार्किंग नहीं की जाना है। मार्क्ड कॉपी जब उस पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा मतदान के दौरान उस पर मार्किंग की जाती है कि ये व्यक्ति आया, इसने वोट किया, या जो ये महिला ये पुरुष, ये मार्किंग जो होती है उसके पश्चात ये कॉपी एक वैधानिक स्टेटस ले लेता है, और जब ये वैधानिक स्टेटस ले लेता है तो फिर इसको एक सील्ड स्टेट्यूटरी कवर में RO के पास जमा कराया जाता है पोलिंग के बाद। मार्क्ड कॉपी में जो प्रॉक्सी वोटर लिस्ट होती है, यदि प्रॉक्सी वोटर वहाँ वोट करने आता है तो प्रॉक्सी वोटर लिस्ट में पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 मार्किंग करेगा। इसी तरीके से EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के साथ कोई वोटर वहाँ पर वोट करने आ रहा है तो पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 उसको अपने हाथ से ब्लू इंक से मार्क्ड कॉपी में लिखेगा, ऐड करेगा और उसके बाद उसमें मार्किंग करेगा। इसी तरीके से बैलेट पेपर अकाउंट जो फॉर्म 17C में तैयार किया जाता है उसमें पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 को EDC और प्रॉक्सी वोटर्स की लिस्ट से कितने लोगों ने मतदान किया उसकी संख्या पोल के समाप्ति के बाद लिखनी होती है। मतदाता सूची के अलावा प्रत्येक मतदान दल को हम दो अन्य तरह की सूची भी देते हैं। एक होती है अल्फाबेटिकल लिस्ट, ये सिर्फ मतदाताओं की सुविधा के लिए दी जाती है। ऐसे मतदान केंद्र लोकेशन जहाँ पर 3 या उससे अधिक मतदान केंद्र हैं वहाँ पर यह अल्फाबेटिकल लिस्ट वोटर असिस्टेंस बूथ में दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि कोई भी मतदाता जब उसे ये ना पता हो कि वो किस पोलिंग स्टेशन में उसको वोट डालने जाना है तो वो सबसे पहले वोटर असिस्टेंस बूथ पे जाएगा और वहाँ जाकर वो अल्फाबेटिकल लिस्ट से अपने नाम को ढूँढेगा। नाम देखने के बाद उसको ये बताया जाएगा कि उस भवन में किस मतदान केंद्र में उसको मतदान करने जाना है। ये अल्फाबेटिकल लिस्ट ऐसे स्थान पर रखी जानी चाहिए या वोटर असिस्टेंस बूथ ऐसी जगह पर बनाया जाना चाहिए जो वोटर्स को सहज दृश्य हो, मतलब
वो मेन एंट्रेंस के आसपास कहीं पर हो, उसको वोटर को क्रॉस करके जाए ताकि वोटर को वो दिख जाए, उसको उसकी सुविधा के लिए ये बूथ है, तो वो जब तक उसको विजिबल नहीं होगा तो वो उसका लाभ नहीं ले सकता। तो इसकी स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जो वोटर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। अल्फाबेटिकल लिस्ट हमेशा इंग्लिश में होती है, चाहे वर्नेकुलर लैंग्वेज कुछ भी हो, इंग्लिश में अल्फाबेटिकल लिस्ट तैयार की जाती है। अल्फाबेटिकल लिस्ट में सिर्फ वोटर अपना नाम ढूंढने में उसको आसानी होती है और उसे ये बताने के लिए कि वो किस पोलिंग स्टेशन में वोट डालेगा, इसलिए इस उद्देश्य से इसको वोटर असिस्टेंस बूथ में दिया जाता है। अल्फाबेटिकल लिस्ट की एक और विशेषता होती है कि इसमें वोटर की फ़ोटो नहीं होती। जो दूसरी मतदाता सूची मतदान दलों को दी जाती है वो होती है एएसडी लिस्ट। एएसडी लिस्ट वो लिस्ट है जिसको एब्सेंट, मिसिंग और डेड डुप्लीकेट इलेक्टर्स की लिस्ट है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र में वोटर स्लिप्स हर एक वोटर को इलेक्शन कमीशन की द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है। बीएलओ का ये दायित्व होता है, बूथ लेवल ऑफिसर का, कि वो वोटर स्लिप जो है उसको मतदान के कम 5 दिन पहले तक वितरित करे। कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जिनकी वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। इन वोटर्स में मेनली वो लोग हैं जिनके नाम डुप्लीकेट हैं। जब बीएलओ वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास ऑलरेडी एक वोटर स्लिप है। कुछ ऐसे हैं जिसकी रिवीजन के दौरान मृत्यु हो गई है, तो जब बीएलओ जाएगा तो पता चलेगा कि ये इस वोटर की मृत्यु हो गई है। तीसरा है कि जब बीएलओ वोटर के पते पर जाता है तो पता चलता है कि उसके घर में ताला लगा है और वो पिछले 1-2 महीने से, हफ्ते 10 दिन से घर छोड़कर चला गया है। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। इन शेष वोटर स्लिप्स के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको हम लोग एएसडी लिस्ट बोलते हैं। ये एएसडी लिस्ट हर एक मतदान दल को इसलिए दी जाती है कि कोई इनके नाम से आके कोई फर्जी मतदान ना कर ले। ये एएसडी लिस्ट बेसिकली इस पे जो लिस्ट तैयार होती है उस पे संबंधित ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। ये मतदाता सूची से जब मतदान करने कोई मतदाता आता है तो ये जिम्मेदारी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग टीम की कि वो देखे कि ये व्यक्ति कोई फर्जी मतदाता तो नहीं है जो किसी दूसरे के एब्सेंस का लाभ उठा के मतदान करने आया है। आमतौर पे जो एएसडी लिस्ट में वोटर्स हैं उनको मार्क्ड कॉपी में डॉट लगाकर चिन्हित कर लेना चाहिए ताकि जब मार्क्ड कॉपी के आधार पे पोलिंग स्टार्ट हो तो डॉट लगे हुए जितने भी वोटर्स हैं उसकी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से पूछ परख कर ली जाए। एएसडी लिस्ट में जो वोटर्स के नाम होते हैं उसका उद्देश्य मूलतः ये होता है कि उन वोटर्स की पहचान अच्छे से स्थापित कर ली जाए। इसके लिए प्रत्येक ऐसे वोटर को जिसका नाम एएसडी लिस्ट में है एक एनेक्सर है, एनेक्सर 16, जिसको भरवाना पड़ता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो वोटर्स एएसडी लिस्ट में जिनका नाम है उनको हम वोटिंग से इनकार नहीं कर सकते, किंतु फर्जी मतदान को रुकवाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। एएसडी लिस्ट से जितने वोटर्स वोट डालते हैं उसकी सूचना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को निर्धारित प्रारूप में रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होती है। और पोलिंग के ठीक अगले दिन जब इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर सारे मतदान प्रक्रिया का स्क्रूटनी करते हैं तो उनको ये देखना होता है कि एसडी लिस्ट से उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में कितने लोगों ने मतदान किया। तो इसलिए एसडी लिस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि यदि मैंने जो भी आज यहाँ पर कहा है इसमें और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों में कोई अंतर हो तो इलेक्शन कमीशन के निर्देश इस पे सर्वोपरि होंगे।